प्यारे साथियों नमस्कार। आज फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ SPS माइंड मस्ती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम फिर से नंबर की नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं, जिसमें हम नियम पढ़ रहे थे कि नंबर के नियम क्या हैं, मतलब कि हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाते हैं, किन नियमों के आधार पर हम उनको बनाते हैं। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ES का नियम और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं IES और VES के नियम। तो दोस्तों आप लगातार जुड़े रहें और मेरी वीडियो को आप लगातार देखते रहें तो दोस्तों आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आप निश्चित रूप से अच्छा कर पाएंगे, खासकर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों देर ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ आज के इन रूल्सों को। दोस्तों एक और आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल पर यदि नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को साझा ज़रूर कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको इसी प्रकार की अमेजिंग वीडियो लगातार मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नंबर के नियमों पर। तो हम चर्चा करने वाले हैं किस पर, आज IES एंड VES के नियमों पर। ठीक है ना, एक क्या है ये नियम, मतलब आप इन नियमों के तहत सिंगुलर से प्लूरल चेंज करते हैं, सिंगुलर टू प्लूरल। ठीक है ना, मतलब कि आप एक वचन से बहुवचन बनाएंगे इन नियमों से। तो दोस्तों क्या है ये नियम, इनको हम समझते हैं। ठीक है ना, पहले हम शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले देखिएगा IES कहाँ लगाते हैं, एकदम बिल्कुल आप ऐसे समझ लेंगे तो परिभाषा तो मैं लिखवा ही दूंगा। आपको इसमें IES तब लगाना है जब आपको कहीं पे Y मिले, कहाँ मिले, Y मिले, किसी भी वर्ड के पीछे Y मिले। ठीक है ना, अब किसी भी वर्ड के पीछे Y मिले तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम IES जोड़ देंगे। अब इसमें एक शर्त है दोस्तों, यदि Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट मिले, कॉन्सोनेंट को हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, क्या बोलते हैं व्यंजन, यदि व्यंजन मिलता है Y के पहले तो हम Y को हटा देंगे, क्या कर देंगे, Y को हटा देंगे। और Y को हटाने के बाद हम क्या जोड़ देंगे, IES जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, IES जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, परंतु यदि आपको Y के पहले कोई वोवल मिलता है, क्या मिलता है, वोवल्स मिलता है, तो वाई को हम नहीं हटाएंगे, ठीक है ना, वाई को नहीं हटाएंगे, केवल क्या करेंगे, केवल एस जोड़ देंगे एस। ठीक है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, IES का नियम पूर्णतः हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम एक डेफिनेशन फॉर्म में देखेंगे, अभी तो हमने ये बेस उसका देखा है और समझा है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, IES का नियम, क्या है IES का नियम, लिखना है आपको, जब किसी वर्ड के पीछे पीछे वाई मिले एवं वाई के पहले कोई व्यंजन मिले, वाई के पहले कोई व्यंजन मिले तो वाई को हटा देते हैं एवं
एवं IES जोड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तथा यदि Y के पहले कोई वोवल मिले या स्वर मिले तो Y को नहीं हटाते हैं, हटाते हैं और केवल S जोड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। ये था नियम, तो मैंने अभी बेस फॉर्म में समझाया और एक डेफिनेशन फॉर्म में समझाया, तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। इसके एग्जांपल देखेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा, तो देखते हैं इसके एग्जांपल। एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो मैंने आपको पहला लिया ERMY, दोस्तों अभी ये सिंगुलर है, इसको हम प्लूरल चेंज करेंगे। Y मिला है और Y के पहले हमें ये कॉन्सोनेंट, M एक कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट मिला है, तो हमने देखा था नियम में कि Y के पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट या व्यंजन है तो Y को हटा देंगे और IES जोड़ देंगे, तो यहाँ बनेगा ARM और IES, आर्मीच, क्या बनेगा आर्मीच। दूसरा हम देखते हैं BODY, बॉडी, बॉडी में शरीर होता है, ए एक वचन है, वाई के पहले डी एक कॉन्सोनेंट है, तो फिर वाई को हम हटा देंगे और क्या जोड़ेंगे बॉडीज, क्या जोड़ देंगे बॉडीज बनेगा। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, मान लो STORY, स्टोरी मीन्स कहानी होता है, वाई के पहले आर भी एक व्यंजन है, इसको वाई को हटा देंगे और STORIES स्टोरीज बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको निश्चित रूप से ये एग्जांपल के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखते हैं कि यदि वाई के पहले कोई स्वर मिलता है तो क्या होगा, यदि हमें वाई के पहले कोई स्वर मिलता है तो क्या होगा देखते हैं। जैसे मान लो अभी एक एग्जांपल देखते हैं, पहला है BOYY, वाई है और वाई के पहले एक वोवल है ओ, तो इसको चेंज करेंगे तो बनेगा वॉयस, क्या बनेगा वॉयस बनेगा, ठीक है ना। मान लो दूसरा है TOY, ट्वाय, तो ट्वाय को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा ट्वाइज बनेगा, ठीक है दोस्तों। और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, पर इसके लिए दो ही एग्जांपल हैं, और भी अगले वीडियो में या आप अभ्यास के रूप में कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देर ना करते हुए इसके नेक्स्ट नियम VES के नियम पर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। किस नियम पर, VES, तो डाल लेते हैं अपन VES का नियम, किसका नियम VES का नियम, आप थोड़ा सा समझ लें VES का नियम क्या है। तो दोस्तों इसका जो नियम है वो है कि आपको कहीं भी किसी भी वर्ड के पीछे आपको जब एफ मिल जाए या एफ ही मिले तो आप इनको हटाकर, इन दोनों को हटाकर सिर्फ केवल क्या जोड़ देंगे VES जोड़ देंगे, VES जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। ये है इसका नियम, इसको हम इन्फॉर्मेशन या डेफिनेशन फॉर्म में देखते हैं क्या लिखेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। लिखता हूँ परिभाषा इसकी, VES का नियम,
VES का नियम क्या है दोस्तों? लिखो तो जब किसी वर्ड के पीछे एफ या एफ ही मिले तो एफ या एफ ही को हटाकर VES जोड़ते हैं। ये था आपका इन्फॉर्मेशन फॉर्म। अब इसको हम एग्जांपल के रूप में समझेंगे। तो एग्जांपल इसका क्या है, जैसे मैं पहला उदाहरण लेता हूँ कि NIFE नाइफ मीन्स छुरी होता है, इसको चेंज करेंगे तो एफ ही मिला, इसको हटा देंगे और बनेगा KNIVES नाइफ। LIFE लाइफ, इसको हटा देंगे तो बनेगा लाइफ, क्या बनेगा लाइफ, ठीक है ना। इसके बाद और भी उदाहरण ले सकते हैं दोस्तों। तो ये थे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम जो मैंने आपको समझाए। वीडियो देखकर कैसा लग रहा है आप अपना कमेंट्स बॉक्स में रिस्पॉन्स दें, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में साझा ज़रूर करें। तो दोस्तों मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।